मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा करके आप पूरे सूबे को ये बताएं कि आप दीदी के साथ खड़े हैं। आसमान से बारिश की बूंदें बरस रही हैं। मुरादाबाद अपनी बहू का स्वागत जिस तरह कर रहा है वो ऐतिहासिक है। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, यह है दौर प्रियंका गांधी का। के पूरा भारत बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं, दिल्ली से लखनऊ तलक नफरत के पुजारी बैठे हैं। दिल्ली अब की छीनेंगे पर लखनऊ उसके साथ में दो, बेटी बनकर मांग रही हूँ लाओ में। अब मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी को, क्योंकि उनका घर है, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे इमरान भाई से, आपको स्वागत भाषण देना था लेकिन मौसम के चलते दीदी पहले बोली, अब अपनी बात इस धन्यवाद के साथ रखिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, यह है दौर प्रियंका गांधी का। दीदी आज अपनी ससुराल आई हैं और मुरादाबाद अपनी बहू का स्वागत जिस तरह कर रहा है वो ऐतिहासिक है। आसमान से बारिश की बूंदें बरस रही हैं लेकिन दीदी आपने देखा कि आपकी ससुराल के लोग डटे हुए हैं। आज इन्होंने मौसम की परवाह छोड़ दी, ये बस ये सोचा कि आज बहू आ रही है और बहू का इस्तकबाल करना है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा करके आप पूरे सूबे को ये बताएं कि आप दीदी के साथ खड़े हैं। मुझे स्वागत भाषण करना था लेकिन दीदी का हेलीकॉप्टर जल्दी टेक ऑफ होना है। मैं सिर्फ एक नज्म के दो तीन मिसरे सुना देता हूं, कोई भाषण नहीं दूंगा। भाषण आपने बहुत सुन लिया। नज्म में बस ये सुनाता हूं कि आप ये समझें कि दीदी कह रही हैं पूरे सूबे से, प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश से कह रही हैं कि बेटी बनकर मांग रही हूं लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। यहां से वहां तक मैं जब मिसरे पढ़ रहा हूं आपकी तालियों का शोर पूरे देश में जाना चाहिए कि बेटी बनकर मांग रही हूं लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। सबको यूपी देकर देखा अब बेटी के हाथ में दो, अब बेटी के हाथ में दो। सवाल उठाते हैं लोग कि प्रियंका जी आई क्यों, आई कैसे आई। मैं एक मिसरा पढ़ता हूं कि जो मुझसे ये कहते हैं कि कौन भला मैं होती हूं, तैयार रहना। जो ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन भला मैं होती हूं, उनसे कहो राजीव की बिटिया और इंदिरा की पोती हूं, के अपनी आंखों के आंसू भी लाओ मुझे सौगात में दो, बेटी बनकर मांग रही हूँ यूपी मेरे हाथ में दो, बेटी बनकर। के पूरा भारत बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया, एक दिन संसद में मोदी जी ने कहा क्या दिया 70 साल में कांग्रेस ने, बगल में राहुल जी बैठे थे, उन्होंने कहा पलट के अपने लोगों से कि मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। कि पूरा भारत बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं, दिल्ली से लखनऊ तलक नफरत के पुजारी बैठे हैं। दिल्ली अब की छीनेंगे पर लखनऊ उसके साथ में दो, बेटी बनकर मांग रही हूं लाओ मेरे हाथ में दो। सबको और अंतिम पंक्तियां, और इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। मैं चाहूंगा कि इन अंतिम पंक्तियों पे एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आखिरी पंक्तियां के यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिश्ता है, तमाम जिले ऐसे हैं जहां के लिए दीदी दीदी हैं, बेटी हैं,
लेकिन मुरादाबाद के लिए बहू है, आखिरी पंक्तियां कि यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिश्ता है, सिर्फ सियासी नहीं यहां से मेरा लहू का रिश्ता है। अपना हौसला अपनी हिम्मत इस मुश्किल हालात में दो, सबको यूपी दे कर देखा अब बेटी के हाथ में दो, बेटी बनकर। आदरणीय दीदी का एक बार फिर से बहुत आभार प्रकट करता हूं, हम सब आपके इंतजार में थे और इस शहर ने आपका उसी तरह स्वागत किया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग ज्यादा किसे पता है।